Assalamu alaikum students, how are you all? Welcome to my YouTube channel, the home of standard 6. Please subscribe the channel and click the bell icon so that you can watch my next video. These students, aaj lecture number 9, BA English 4th year. Lecture jo aaj hamare paas students ko hai, essay number 9, the beauty industry. Beauty industry by Aldous Huxley, jo iska writer hai. Basically, he describes about the beauty of American people. How American women used cosmetics and makeup things as well. So, basically, it was also belongs to slump of 1930. Everything is going to collapse, was going to collapse, except one industry, and that was makeup industry, cosmetics industries. स्टूडेंट्स एक बात और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ कि जो अमेरिकन वुमेन है ना वो कहती हैं कि हमें जो है खाने पीने को चाहे कुछ मिले या ना मिले लेकिन मेकअप करने के लिए जो है वो जरूर कुछ मिलना चाहिए और हम कॉस्मेटिक्स यूज करें. एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि कहा जाता है कि अमेरिका का एक दिन का जो बजट है, एक दिन का जो यूज करती है अमेरिकन वुमेन अपने मेकअप पे, वो ब्रश की का सब कॉन्टिनेंट का पूरे साल का बजट के बराबर है. यानी अमेरिकन वुमेन इतना जो है मेकअप यूज करती हैं और फिर भी वो आउटवर्डली ब्यूटीफुल हैं, इनर सेल्फ उनकी जो है वो एम्प्टी है. ठीक है, तो इसने जो राइटर ने इसने पोर्सलिन जार के साथ भी इसको कंपेयर किया है. वुमेन बॉडी को जिस तरह पोर्सलिन जार होता है वो बाहर जो है कितना खूबसूरत होता है लेकिन अंदर से वो कितना स्टिंकिंग स्मेल वाला और उसकी कोई शेप नहीं होती और बड़ा बुरा सा लग रहा होता है. तो आई स्टूडेंट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखते हैं किस तरह से जो राइटर है वो क्या बात करता है और साथ साथ इसको भी लेके चलते हैं. पॉइंट नंबर 1 है जी, इन राइटिंग दिस एसे हॉक्सले पर्पस इज टू क्रिटिसाइज द एक्सट्रावागेंट हैबिट्स ऑफ वुमेन. एक्सट्रावागेंट हैबिट्स ऑफ वुमेन के वो क्रिटिसाइज करता है राइटर की किस तरह जो औरतें हैं वो फजूल खर्ची करती हैं मेकअप के ऊपर और इनको एक तरफ जो दुनिया है वो भूख से मर रही है, दूसरी तरफ जो है वो ये बहुत ज्यादा पैसा जो है वो सिर्फ मेकअप पे खर्च कर रही है. नंबर 2 पे जी, इन द इकोनॉमिक स्लम्प ऑफ 1930, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर के 1930 में एक इकोनॉमिक स्लम्प आया था, जो सारी इंडस्ट्रीज थी अमेरिका में और पूरे वर्ल्ड में वो कोलैप्स कर गई थी, सिर्फ एक इंडस्ट्री बची थी और वो कौन सी इंडस्ट्री थी, वो सिर्फ इंडस्ट्री थी मेकअप की, कॉस्मेटिक्स की. ऑल द इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कोलैप्स एक्सेप्ट वन इंडस्ट्री एंड दैट वाज अ ब्यूटी प्रोडक्ट इंडस्ट्री, और ब्यूटी प्रोडक्ट इंडस्ट्री थी वो सिर्फ एक. नंबर 3 पे जो पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारा, अमेरिकन वुमेन स्पेंड $156 मिलियन ऑन देयर फेसेस इन अ ईयर. जिस तरह मैंने उसकी एग्जांपल ये भी दी कि स्टूडेंट्स सब कॉन्टिनेंट में हम बिकॉज वी आर लिविंग इन एशिया, तो एशिया में क्या होता है कि सब कॉन्टिनेंट में टोटल जो इसका बजट है एक साल का वो अमेरिकन वुमेन्स एक दिन में अपने मेकअप पे खर्च करती हैं. नंबर 4 पे पॉइंट है द ब्यूटी गॉट बाय द यूज ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट इज नॉट रियल ब्यूटी. रियल ब्यूटी इज द ब्यूटी ऑफ करेक्टर एंड ऑफ डॉक्टर सॉल. यही क्रिटिसाइज किया है जस्ट हॉक्सले ने कि हम अपने जो बाजार हमारी बॉडी है उसको बड़ा मेकअप शेकअप करके रखते हैं, बड़ा त्याशर होकर रहते हैं लेकिन हम हमेशा झूठ बोलते हैं, हमेशा धोखा देते हैं, फ्रेब देते हैं, हमें पता ही नहीं होता और हम अंदर से जो है वो एम्प्टी हैं. जिस तरह इकबाल ने भी कहा था कि एम्प्टी सोल्स ऑफ वेस्टर्न पीपल, मगरिब के लोग जो है वो खाली सोल के हैं और हमारे पास जो है बेसिकली हम क्योंकि सिला रहमी भी करते हैं, कुछ खिदमत खलक भी करते हैं, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हम जो है ना थोड़े से बेहतर है. लेकिन औरतों की बात हो रही है यहाँ पे और इंडस्ट्रीज की बात हो रही है. तो नंबर 6 पे जो स्टूडेंट्स पॉइंट है, नंबर 5 पे ही इज ऑफ द व्यू दैट ऐसा व्यू दिया जाता है द ब्यूटी गॉड बाय एन आर्टिफिशियल वे इज लाइक द ब्यूटी ऑफ अ पोर्सलिन. पोर्सलिन का स्पेलिंग थोड़े से रेज हो गए थे, पोर्सलिन जार एंड दैट जार इज वेरी ब्यूटीफुल आउटवर्डली, बाहर मर्दबान जिसे हम बोलते हैं बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है बट फ्रॉम इनसाइड उसके अंदर इट इज फुल ऑफ रोटल लीव्स और स्टिंकिंग स्पेल्स स्मेल डेड फ्लाइज स्पाइडर्स एंड ऑफ स्लाइम के कूड़ा करकट उसके अंदर बदबूदार और अंदर मक्खियां फिर भी होती हैं, स्पाइडर्स फिर भी होती हैं, जल वगैरह होती हैं.
तो ये स्टूडेंट्स नंबर सिक्स पे जो पॉइंट है कि मेट टू वुमेन इन अ रेस्टोरेंट, ये अपना एक जो है शेयर करता है पर्सनल एक्सपीरियंस के वो एक दफा दो औरतों से मिलता है राइटर हु वर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल आउटवर्डली, ज्यादा वो बड़ा खूबसूरत थी, बड़ी मेकअप उन्होंने किया हुआ, कैप्टिवेट ब्यूटी थी तो बट बड़ी अट्रैक्टिव, बट देयर वाज नो अट्रैक्शन एज द लैक स्पिरिचुअल ब्यूटी, और लेकिन उसको कोई अट्रैक्शन नजर नहीं आई, उसको सिर्फ ये लगा कि वो बस उसके साथ जो है ना वो फ्लर्ट कर रही है और इनवॉल्वली उनको कुछ भी नहीं पता, एंड द ब्यूटी ऑफ सोल, और वो उसकी एग्जाम्पल क्या देता है कि ब्यूटी ऑफ सोल उनके पास नहीं। नंबर सेवन पे जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द ऑथर रियल ब्यूटी इज द ब्यूटी ऑफ सोल, कि हकीकी जो खूबसूरती होती है इंसान की वो क्या होती है, उसकी अंदर की उसकी सोल की ब्यूटी होती है, एंड ब्यूटी ऑफ इनर सेल्फ एंड द ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर, ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर, ब्यूटी ऑफ सोल, ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर, ये चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। नंबर आठ पे जो लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इफ देयर इज अ जनरल राइस इन द सोसाइटी, वो अपना मतलब एक परसेप्शन जो है वो बयान कर रहा है, इफ देयर इज अ जनरल राइस इन द सोसाइटी एंड देयर इज अ पीस एंड जस्टिस इन अ सोसाइटी, और अगर ऐसा हो कि जस्टिस और पीस सुकून हो सोसाइटी में एंड द पीपल लिविंग इन दैट सोसाइटी, और इस तरह की सोसाइटी में लोग रह रहे हों, वुड बी हेल्दी एंड ब्यूटीफुल, कि बड़ी खूबसूरत होगी, बड़ी हेल्दी होगी। तो स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर था, मैं आपको पहले बता चुका हूँ ब्यूटी इंडस्ट्री, बेसिकली ये तो ब्यूटी इंडस्ट्री मेकअप कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज के थ्रू हमें इस चीज को एल्डस हक्सले ने जागर किया कि हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए अपनी अंदर की जो खूबसूरती है इंसान की, उस खूबसूरती को बेहतर से बेहतर तर बनाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, किसी ने कोई भी कमेंट करना हो तो कमेंट बॉक्स में आगे पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।